In this tutorial, I will explain how to upload file or image from local drive to website using file upload control. This control in ASP.NET used to upload any file like image, document file, zip file, etc. to ASP.NET website. Here we understand how to upload file using file upload control with an ASP.NET example. So let's start. Here I have one label जिसका टेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने सेट किया सेलेक्ट फाइल. अब इसके बाद मैं लूंगी फाइल अपलोड कंट्रोल. तो ये ले लिया मैंने फाइल अपलोड कंट्रोल. ये ऐसे साथ में आएगा आपका, ये एक टेक्स्ट बॉक्स और बटन यहाँ पे रहेगी. नेक्स्ट मैं यहाँ पे एक बटन ले ले रही हूँ जिसका मैंने प्रॉपर्टी सेट किया है टेक्स्ट की अपलोड. ओके, तो ये तो हो गया डिजाइनिंग पार्ट हो गया. अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे यहाँ पे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में अपने वेब एप्लीकेशन में, कि यूजर जो भी फाइल अपलोड करेगा और इमेज अपलोड करेगा वो वहाँ पे जाके सेव हो जाए. तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एक फोल्डर क्रिएट कर लेती हूँ. ये वेब एप्लीकेशन पे राइट क्लिक करोगे, एड न्यू फोल्डर. अब यहाँ पे कोई भी नेम दे, सपोज यहाँ पे मैंने नाम दिया इसका फाइल, यहाँ पे मैंने नाम दे दिया फाइल. अब मैं इसी को यूज़ करूँगी, यहाँ पे जो भी आप फाइल इमेज जो भी इंसर्ट करोगे यहाँ पे सेव हो जाएगा. अब हम लोग आ जाते हैं कोडिंग पे. अब हम लोग यहाँ पे अपलोड जो बटन है उस पर डबल क्लिक करेंगे और कोडिंग लिखेंगे. ये कोडिंग मैंने लिखा है, इफ फाइल अपलोड वन डॉट हैज फाइल. ये क्या करेगा, गेट अ वैल्यू इंडिकेटिंग वेदर द फाइल अपलोड कंट्रोल कंटेन अ फाइल. आपने कोई फाइल सेलेक्ट की है या नहीं. अगर फाइल सेलेक्ट की है तो क्या होगा, यहाँ पे जो फाइल फोल्डर बनाया है हम लोगों ने सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाके वहाँ पे जाके सेव होगा वो, और लेबल टू पे लिख के आएगा फाइल इमेज अपलोडेड सक्सेस. मैसेज देना है वो, यू कैन गिव एनी मैसेज और एल्स अदरवाइज. अगर आपने कोई भी फाइल कोई भी इमेज सेलेक्ट नहीं की है, चूज नहीं किया है, तो क्या लिखा आएगा, सेलेक्ट इमेज फाइल फर्स्ट. तो हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं. दिस इज़ माई आउटपुट विंडो. यहाँ पे मैं फाइल चूज कर देती हूँ. पहले मैं एक इमेज ले रही हूँ. यहाँ पे इमेज ले लिया मैंने, अपलोड कर दिया, फाइल इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली. अब यहाँ पे मैं एक फाइल लूँगी, चूज फाइल. अब यहाँ पे मैं एक फाइल ले लेती हूँ, ओपन अपलोड हो गया. एक इमेज ली और मैंने एक फाइल लिया है. अब मैं हम लोग फोल्डर में जाके देखेंगे कि वो सेव हुआ है या नहीं. तो कैसे जाओगे, व्यू सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, ये मेरा फोल्डर है फाइल, उस पर क्लिक करोगे, ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर. ये देखो दो फाइल बन गए, एक इमेज का और एक मैंने डॉक फाइल लिया. तो ये था हम लोगों का फाइल अपलोड कंट्रोल इन ASP.NET. थैंक यू.